पिछले वीडियो में हमने पास्कल ट्रायंगल के बारे में सीखा था, उससे कितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमने बनाए थे। इस बार हम पास्कल ट्रायंगल से बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे, उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं, उसके बारे में जो मैंने सीखा है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये एक पैटर्न मैंने बताया था, ये वन नंबर है, टू देन थ्री फोर एंड सिक्स, उन्हीं को हमने नंबर्स को यहाँ लिख दिया है। यदि नंबर को आप देखेंगे तो ये वन है, ये कन्वेंशनली इन पास्कल ट्रायंगल इट इज कंसिडर्ड एज जीरो रो, जीरो जीरो नंबर का रो माना जाता है। ये जो सेकंड यहाँ दिख रहा है ये वन, रो नंबर वन माना जाता है। ये थर्ड है, ये रो नंबर थ्री टू माना जाता है, और ये ही क्रम रहता है। और इस प्रकार से ये थ्री, ये फोर, फाइव एंड देन सिक्स, ये रो के नंबर हैं। पास्कल ट्रायंगल के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था। पास्कल ट्रायंगल पास्कल नाम के मैथमेटिशियन के नाम पर दिया गया है, लेकिन इससे पहले भारत में, चाइना में, अरबिया, अरब में इन कई सारे मैथमेटिशियंस ने बहुत पहले इस ट्रायंगल को देखा था। महर्षि पिंगल जिन्होंने मेरु प्रस्तर नाम की पुस्तक लिखी उसमें इस ट्रायंगल का जिक्र किया है, लेकिन आधुनिक जगत में पास्कल इसके प्रणेता माने जाते हैं, इसीलिए इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके पैटर्न के बारे में हमने पिछली बार बताया था, ये एक खूबसूरत पैटर्न हमने बनाया है। अब आज हम इससे बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन में हम सब जानते हैं कि ए प्लस बी, इसका यदि हम होल वन लेते हैं तो सेम पैटर्न आता है, माने ये ए प्लस बी आएगा। यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं और इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो हम सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सभी को हमको याद रहता है। लेकिन यदि इस ए स्क्वायर टू ए प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में हम देखेंगे तो यहाँ एक पैटर्न हमको दिखाई देगा। ए प्लस बी का की पावर टू, यदि हम इसको देखेंगे तो यहां हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो सेकंड रो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। यह तीन बातें हमको और पैटर्न के रूप में दिखाई देंगी, एक कोफिशिएंट, दूसरे टर्म्स एंड तीसरा हमारा पावर। ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो में हमको दो का पावर हमको यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सेकंड रो में हम देखते हैं तो यहां थ्री नंबर्स हैं, वन टू एंड वन। इसका मतलब जब ए प्लस बी की पावर टू होगी, टू रो होंगे तो थ्री टर्म्स बनेंगे, वन टू एंड थ्री, ये पैटर्न है। और तीसरा एक पैटर्न कोफिशिएंट का है, यदि हम इस पास्कल ट्रायंगल में नंबर्स को देखेंगे तो ये नंबर ही कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या वन ये ए का कोफिशिएंट वन है, ये टू ये ए बी का कोफिशिएंट टू है, एंड वन ये बी स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है। एक और मजेदार पैटर्न आपको दिखाई देगा, इसके बारे में हम जानने के लिए एक और स्टेप आगे लेते हैं। यदि हम लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। अगेन यहां देखेंगे पहले ए की पावर थ्री, जो पावर होल
की पावर होती है, वही पहले टर्म की पावर भी होती है। अब हमें क्या करना है, दूसरे में हमको क्या करना है, एक एक की थ्री पावर से एक की एक पावर को हम घटा देंगे, एक की पावर टू, और बी यहां पर ऐड कर देंगे। फिर हम यहां नीचे और प्लस करेंगे, एक और पावर इसकी माइनस कर देंगे, एक की पावर वन माने ए, लेकिन बी इसकी एक पावर हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे बी की पावर टू। एंड लास्ट में क्योंकि ए की पावर जीरो होती है, जीरो का मतलब वन होता है, तो हमारा यहाँ एक और बी की एक पावर और बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर बी की पावर थ्री। अब इसके पश्चात हम इसमें देखेंगे कि कॉफिशियंट क्या होंगे। तो कॉफ चूंकि यह थ्री पावर है, तो थ्री थर्ड रो में हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉफिशियंट नहीं है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। दूसरे नंबर पे जो थ्री है तो यहाँ हम थ्री लगा देंगे, तीसरे में थ्री है, यहाँ पर भी हम थ्री प्लस थ्री ऐड कर देंगे, और उसके बाद वन है तो यहाँ पर वन आएंगे। इसी पैटर्न से हम और भी आगे किसी भी प्रकार के बाइनोमियल एक्सपेंशन को कर सकते हैं। यदि हम जाएं तो आप कर सकते हैं ए प्लस बी की पावर फोर, ए प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मूला आमतौर पर हमको याद नहीं होता, बट यदि इस पैटर्न को हम ध्यान में रखेंगे तो हम बड़े आसानी से इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे ए की पावर फोर, देन हमने ए की पावर थ्री एंड बी, इसके बाद हम लेंगे एक फिर पावर कम कर देना है, ए की पावर टू, और बी की पावर को बढ़ा देना है, बी की पावर टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ए की पावर और हम एक कम कर देंगे, ए की पावर वन, और बी की पावर एक इंक्रीज करेंगे तो थ्री। इसके बाद ए की पावर जीरो माने वन, और इसके बाद फिर बी की पावर एक और प्लस कर देंगे माने बी की पावर फोर। अब चूंकि यहाँ पावर फोर है तो हमें यहाँ फोर्थ लाइन में देखना है और हमारे कोफिशियंट रेडी है। ए की पावर ए का कोफिशियंट वन है, दूसरा जो टर्म है, दूसरे टर्म की जो कोफिशियंट है वो फोर है, तीसरे कोफिशियंट का सिक्स, फोर्थ कोफिशियंट का फोर, एंड फिफ्थ कोफिशियंट का ये वन, वन माने कुछ नहीं तो बी। तो इस प्रकार से हम और भी आगे किसी भी ए प्लस बी का होल पावर फाइव उसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन उसका आसानी से कर सकते हैं यदि हम इसको पास्कल ट्रायंगल में देख पाते हैं। एक और मजेदार पैटर्न यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा होगा कि जितना होल पावर होती है उतना ही हमको हर टर्म की पावर होती है। जैसे यदि हम यहाँ देखेंगे ए प्लस बी की पावर थ्री है, तो यहाँ ए की पावर थ्री है माने इस टर्म की मैक्सिमम पावर थ्री है, फिर थ्री ए स्क्वायर बी है, तो यदि हम इन पावर को देखेंगे ए की पावर टू एंड बी की पावर वन, टू प्लस वन थ्री है, यहाँ पर हम देखेंगे ए की पावर वन, बी की पावर टू, टू प्लस वन थ्री, और बी की पावर थ्री माने थ्री। यहाँ पर भी हम देखेंगे ए की पावर फोर, यदि ये फोर है, यहाँ ए की पावर थ्री एंड बी की पावर वन, थ्री प्लस वन फोर, यहाँ अब देखेंगे ए की पावर टू, बी की पावर टू, टू प्लस टू फोर, ए की पावर वन, बी की पावर थ्री, वन प्लस थ्री फोर, एंड बी की पावर फोर। तो इसका मतलब है कि जो पावर है हर टर्म की पावर वो कॉन्स्टेंट है, और वो पावर कौन सी होती है जो होल का पावर होता है। So there are several patterns we can find in the Pascal triangle, and we can apply this Pascal triangle for the binomial expansion. ये मैंने अभी सीखा है, I am the student of biology, but mathematics में ये Pascal triangle और उसका application ये part मैंने सीखा, कैसे हमने पिछले वीडियो में डिफरेंट पैटर्न्स बनाए थे और हमने आर्ट को मैथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट किया, ये मैंने सीखा आर्ट को मैथ के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और आज हम इस पास्कल ट्रायंगल से नंबर्स, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, इन सब को भी हम बहुत आसानी से
एक पैटर्न के रूप में हम सीख सकते हैं और बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए ये हमको याद रह सकते हैं। कीप लर्निंग, लर्निंग महोत्सव चल रहा है, आप सब सीखिए, लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद।